बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डेटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। कंप्यूटर्स, हमें मालूम है कि ये बहुत तेज़ डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। इस डेटा के अंदर न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है, करेक्टर्स हो सकते हैं। बहुत सी एग्जाम्पल्स हमारे पास होती है, जैसे हॉस्पिटल का डेटाबेस है जिसमें हज़ारों पेशेंट्स हैं। आप फौरी जाइए, आपका नाम पंच कर दें और फौरी इंस्टेंटली आपका पूरी की पूरी फाइल आ जाती है। तो बेसिकली ये सारा का सारा डेटा जो है, ये डिफरेंट किस्म की डेटा टाइप्स में डेटा कंप्यूटर में स्टोर होता है। और यूजुअली जो आम तौर पे हमारे पास जो इंफॉर्मेशन किसी इंसान के बारे में होती है, उसका मिसाल के तौर पर NIC नंबर है, CNIC नंबर है, उसका नाम है, उसका पता है, उसकी एज है, तो ये सारे के सारे जो है इंफॉर्मेशन, ये डिफरेंट किस्म की डेटा टाइप्स हैं। तो आज हम देखते हैं कि डेटा क्या होता है। तो हम ये कह सकते हैं, डेटा की डेफिनेशन ऐसे कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा। बेसिकली डेटा की दो टाइप्स होती हैं, एक न्यूमेरिकल डेटा है और दूसरा करेक्टर डेटा है। न्यूमेरिक डेटा जो है, अगर हम इसको देखें तो इसमें दो किस्म के डेटा होते हैं। एक हमारे पास इंटीजर डेटा, जैसे कि 230, 2358, 97, 98, और दूसरा क्या है, वो रियल डेटा है। इंटीजर डेटा तो बहुत सिंपल है, जैसे मिसाल के तौर पर आपकी एज हो गई 5 ईयर्स, 6 ईयर्स। रियल डेटा हम क्या कह सकते हैं, रियल डेटा की एक मिसाल ये हो सकती है, जैसे कि जैसे 23.5 है, मैंने कोई भी चीज़ जो डेसिमल नंबर के साथ रिप्रेजेंट होती है। तो समझने के लिए, रियल डेटा में दो किस्म है, एक तो फिक्स पॉइंट डेटा कहते हैं और दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट डेटा कहते हैं। इसमें जो है, जो नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं वो फिक्स होते हैं डेसिमल के लेफ्ट और राइट साइड पे, इसीलिए इसको फिक्स पॉइंट डेटा कहा जाता है। इसके बरक्स जो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा है, इसके अंदर जो डेटा है ये, इसके अंदर भी डेसिमल से रिप्रेजेंटेशन होती है, डेसिमल पॉइंट होता है, प्लस माइनस होता है, और डी और स्मॉल डी कैपिटल ई से रिप्रेजेंट होता है। इसके अभी हम ज़रा ठहर के मिसाल लेते हैं कि हम इसको फ्लोटिंग पॉइंट क्यों कहते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट के वैसे मायने, अगर हम सोचें जो कोई चीज़ जो फ्लोट कर सकती हो, यानी जैसे पानी के ऊपर कोई चीज़ रखते हैं तो वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जा सकती है, इसी तरीके से जो डेटा इसमें रिप्रेजेंट होता है उसका जो ये डेसिमल है, ये फ्लोट कर सकता है, इधर भी फ्लोट कर सकता है और इधर भी फ्लोट कर सकता है। और ये जो फ्लोट जब होगा तो ये डेसिमल की पोजीशन जो है, ये इस नंबर से रिप्रेजेंट होगी। तो फिक्स पॉइंट डेटा जो है, इसके अंदर जो डिजिट रिप्रेजेंट हो रहे हैं उनमें जो स्केल है वो डेसिमल के बाद है और रिप्रेजेंट हो रहा है, और यहाँ पे जो स्केल है डेटा का वो इससे रिप्रेजेंट हो रहा है, और जो पोजीशन है वो यहाँ से रिप्रेजेंट हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो उसकी एक मिसाल तौर पर हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट जो है आपका, सिग्निफिकेंट डिजिट इनटू इनटू बेस पावर एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट। अब हम स्ट्रिंग डेटा देखते हैं कि करेक्टर डेटा क्या होता है। करेक्टर डेटा में मिसाल के तौर पर जैसे आपका नाम है अली, मोहम्मद, काशिफ, ये सारे के सारे क्या, ये अल्फाबेटिक डेटा है, इसके अंदर कोई न्यूमेरिक डेटा नहीं है। और बाज़ नाम ऐसे हैं, जो बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर क्या है, करेक्टर्स भी होते हैं और न्यूमेरिक्स भी होते हैं, जैसे कि जेम्स बॉन्ड 007 और DC-10 जैसे जहाज का नाम है, और आपका एड्रेस हो गया मिसाल के ब्लॉक 15, या कोई ऐसा कंपोनेंट जो किसी केमिकल्स में होते हैं E-105। तो हम सबको क्या कहेंगे, इनको अल्फा न्यूमेरिक डेटा कहेंगे। करेक्टर डेटा में जो है ग्राफिकल डेटा भी आता है, जिसमें चार्ट्स, मैप और पिक्चर्स रिप्रेजेंट होते हैं।